दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैंडोर में और आज हम लोग देखेंगे आपका रिक्रूटमेंट फॉर फार्मासिस्ट इन सेंट्रल रेलवे तो दोस्तों इसमें तीन पोस्ट हैं आपकी और जो इसका लास्ट डेट है वो है आपका 2 सितंबर 2020 ठीक है और ये छः बजे तक आपको ये फॉर्म फिल करना है तो इसको चलने के पहले दोस्तों अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डूअर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और उन्हें बताइएगा कि यहाँ पे जॉब और साथ ही साथ आपका जी और नाइपर की प्रिपरेशन होती है तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की रिक्रूटमेंट तो दोस्तों ये आपकी सेंट्रल रेलवे की जॉब है इंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पैरामेडिकल स्टाफ इन ग्रुप सी एज ए स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन एंड एक्सरे टेक्नीशियन तो दोस्तों ये ग्रुप सी की पोस्ट निकली है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में थ्रू सेंट्रल रेलवे और इसमें दोस्तों आपका स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पर भर्ती है ऑन फुल टाइम बेसिस फॉर थ्री मंथ्स तो थ्री मंथ्स के लिए है जो कि आगे एक्सटेंड हो सकती है तो थ्री मंथस फॉर कोविड नाइन्टीन वार्ड एट डी आर एच बी एस एल फिर दोस्तों यहाँ पर है कि थ्रू वाट्सएप स्काइप कॉन्फ्रेंस कॉल इंटरव्यू तो जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका व्हाट्सएप या स्काइप के थ्रू वहाँ पर कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो जाएगा तो आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी केवल उन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे फाइनल डे जाके जिनका वहाँ पर सिलेक्शन होगा तो नोटिफिकेशन नंबर दोस्तों ये है बी एस एल पी मेड कॉन्ट पैरामेड टू थाउजेंड ट्वेंटी लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन बाय ईमेल है सेकेंड सितंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी अप टू सिक्सटीन एटीन आवर्स मीन्स सिक्स पी एंड इंटरव्यू थ्रू व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड कॉल विल बी हेल्प फ्राम ओपन मार्केट एंड फ्राम रिटायर्ड स्टाफ नर्स फार्मासस्ट लैब टेक्नीशियन एंड एक्सरे टेक्नीशियन ऑफ रेलवे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो आपका वहाँ पर इंटरव्यू लेंगे वो दोस्तों रिटायर्ड स्टाफ नर्स फार्मासस्ट लैब टेक्नीशियन और एक्स रे टेक्नीशियन होंगे रेलवे के होंगे या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में वो कार्यरत रहे होंगे पहले तो वो लोग ही आपका इंटरव्यू लेंगे और ये जो आपकी पोस्टिंग है वो भूसोल डिवीज़न ऑफ सेंट्रल रेलवे में होगी और जैसे कि आपको बताया गया है कि थ्री मंथ्स के लिए ही होगी या थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी और ये आगे दोस्तों एक्सटेंड हो भी जाती हैं डिपेंडिंग ऑन कि जो आपके जॉब वहाँ पर करा रहा है तो वो उसको एक्सटेंड कर सकता है एज रिक्वायरमेंट फिर दोस्तों ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल भूसवल स्टाफ नर्स में दोस्तों आपको 20 लोअर एज है अपर एज 40 है टोटल वैकेंसी 26 है फिर इस तरह फार्मासिस्ट की लोअर एज 20 है अपर एज 35 है और टोटल वैकेंसी 3 है लैब टेक्नीशियन के लिए लोअर एज 18, अपर एज 33 और टोटल वैकेंसी 10 है एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 19 है लोअर एज अपर एज 33 है और टोटल वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे 9। फिर दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको वहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन हु टेम्परेली इंटर इन टू द रेलवे विल नॉट हैव एनी क्लेम और राइट कहने बोला दोस्तों आपको वहां जो जॉब मिलेगी तो आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते फ्यूचर में कि वो आपको परमानेंट एब्जॉर्व करें आपके पास एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यू बी डी कैंडिडेट जो भी हैं तो उनके पास एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए इन पी डी एफ फॉर्मेट में अब दोस्तों यहाँ पे सैलरी आपकी दी गई है स्टाफ नर्स का जो मंथली फी है वो 44,900 प्लस डीए प्लस एचआरए पर मंथ है फार्मासिस्ट का 29,200 प्लस डीए प्लस एचआरए है लैब टेक्नीशियन के लिए 35,400 प्लस डीए प्लस एचआरए फिर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए दोस्तों यहाँ पे 29,200 प्लस डी प्लस एच है फिर दोस्तों यहाँ पे रिटायर्ड स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन ऑफ़ रेलवे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तो उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है उनके लिए जो एज रखी गई है नॉट एसीडिंग 65 फाइव ईय एज ऑन ट्वेंटी अगस्त 2020 एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जो स्टाफ नर्स हैं उनके पास थ्री ईयर्स का उन्होंने कोर्स किया होना चाहिए जनरल नर्सिंग एंड मिड वे फ्री फ्राम ए स्कूल ऑफ नर्सिंग या बी एस सी फिर फार्मेसिस्ट का टेन प्लस टू इन साइंस होना चाहिए उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए और बी फार्मा कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल हैं फिर दोस्तों लैब टेक्नीशियन के लिए बीएससी विद बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस बीएससी विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एस मेन और एन ऑप्शनल सब्सिडरी सब्जेक्ट और इक्वलेंट प्लस डिप्लोमा होना चाहिए इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन और इक्वलेंट और बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी तो वो लोग लैब टेक्नीशियन अप्लाई कर सकते हैं फिर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए टेन प्लस टू विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उसके साथ में डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी जो कि टू ईयर का कोर्स होता है वो आपका एक रुकनाइज यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से होना चाहिए विद साइंस ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी टू ईयर कोर्स शैल प्रेफर तो ये प्रेफरेंस में रहेगा तो दोस्तों आपको भेजना कैसे है तो इसको आपको ई मेल अप्लाई करना है थ्रू ई मेल ऑन आई डी पी ई आर एस बी आर बी एस एल एट द रेट ऑफ़ जी मेल डॉट कॉम अलॉन्ग विद स्कैंड कॉपीज़ ऑफ़ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन पी डी एफ फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू था दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है बल्कि पी डी एफ़ आपको पहले स्कैन करना है उसको एक पी डी एफ फॉर्मेट में उसको बनाना है और उसको जो मेल आई डी मैंने बताई उसमें आपको भेजना है जो यहाँ पर डेट दी जा रही है दोस्तों कैटेगरी फ्रॉम डेट टू तो डेट टाइम वीनू तो आपको लैब टेक्नीशियन का फोर सितंबर 2020 तक है एक्सरे टेक्नीशियन का 7 सितंबर 2020, फार्मासिस्ट का नाइन सितंबर 2020 और स्टाफ नर्स का 11 सितंबर 2020। एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट तो आपको ये कहाँ से डाउनलोड करना है पूरी नोटिफिकेशन तो वो है डब्लू डब्ल्यू डॉट सी आर डॉट इंडियन रेलवेज़ डॉट जी ओ वी डॉट इन उसमें आप जाएंगे वहाँ पे आपको न्यूज़ एंड रिक्रूटमेंट दिखाई देगा उसको आप क्लिक करोगे तो इंगेजमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ भूस्वल डिवीज़न उसको आप क्लिक करोगे तो ये पी डाउनलोड हो जाएगी और साथ में अभी नीचे आप देखोगे कि जो फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन भेजना है तो वो चीज़ भी वहाँ दी गई है तो दोस्तों ये है ये आपको डाउनलोड करना है और इसके बाद इसको पूरा फिलअप करना है यहाँ पे यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है नेम इन फुल लिखना है ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए और जो नेम होगा वो सर नेम पहले होना चाहिए नाम बाद में फिर फादर से हस्बैंड नेम होना चाहिए कम्युनिटी में एस सी एस टी ओ बी सी यू आर पी डब्ल्यू बी डी जो भी कैटेगरी है मेल फीमेल मेरीड अन मेरीड डेट ऑफ बर्थ एज एज ऑन तो आपको ट्वेंटी सिक्स अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी तक आपको एज कैलकुलेशन करनी है वो यहाँ पे मेंशन करनी है फिर एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपका ईयर मार्क्स और परसेंटेज तो ये यह यहाँ पे मेंशन करना है अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन की है तो वो यहाँ पे करना है फिर आपने कब कंप्लीट किया है इंटर्नशिप तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना है वैलिड मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट वो यहाँ पर मैंशन करना है फिर लास्ट पे ड्रॉन अगर आप रिटायर्ड फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन स्टाफ नर्स रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे आपने लास्ट पे क्या ड्रॉ की है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है पेंशन ड्रॉन एज ऑन ट्वेंटी अगस्त 2020 फॉर रिटायर्ड तो उनके लिए यहाँ पे कॉलम बनाया फिर एक्सपीरियंस तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं सर्टिफिकेट भी यहाँ इंक्लोज कर सकते हैं फिर परमानेंट एड्रेस आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है विद पिन कोड एंड टेलीफोन या मोबाइल नंबर फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी लिखना है फिर अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टू बी अटैस्ड ई मेल एड्रेस मोबाइल नंबर स्काइप आई डी व्हाट्सएप नंबर तो ये आपको यहाँ पर देना है इसके बाद आपको प्लेस डेट पर मैंशन करना है सिग्नेचर करना है नाम लिखना है और ये आपको भेजना नहीं है बल्कि आपको मेल के थ्रू वहाँ पर स्कैन करके पी डी एफ फॉर्मेट में आपको ये सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पर भेजने हैं इसको आपको जल्दी से जल्दी भेजना है ताकि लास्ट मिनट में कोई भी रश वहाँ पे आपको दिक्कत ना करे क्योंकि लास्ट में आपका सर्वर वगैरह वहाँ पे काफ़ी हैंग हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे एप्लीकेशन नहीं भर पाते हैं तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी या डाउट हो दोस्तों तो हमसे आप कमेंट के रूप में यहीं पर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और आपको इसका रिप्लाई जरूर मिलेगा थैंक यू टेक केयर बाय